नमस्कार, आज मैं अभिराम ग्रामीण जो स्वयं सेवी संस्थान कॉलेज ऑफ फार्मेसी एवं नर्सिंग हुटाप चंदवा लातेहार के मशीन रूम में आपको ले चलता हूँ, जहाँ बहुत सारी मशीनें रखी गई हैं और जिनसे हम लोग की सहायता से यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल कराई जाती है ना। तो प्रैक्टिकल में ये मशीनें हमारी हेल्प करती हैं। तो आज हम सिर्फ दो मशीनों के बारे में चर्चा करेंगे। एक मेरा सेंट्रीफ्यूगल मशीन है और एक माइक्रोस्कोप मशीन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। तो जैसा कि हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन को आप देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। एक मैनुअल भी आते हैं। तो इनका काम क्या है, ये लिक्विड को सेपरेट करती है। यानी कि अगर आपको जैसे ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा भी होता है, ब्लड भी होता है, तो उसको दोनों को सेपरेशन करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ब्लड को प्लाज्मा में और ब्लड में सेपरेशन क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो उसको सेपरेशन करने का कारण बहुत तरह से हो सकता है। आपका क्या उद्देश्य है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा जैसे कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो हम लोगों को मलेरिया चेक करना है, ठीक है। तो मलेरिया चेक करने के लिए हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा उसको ये किए, सेंट्रीफ्यूगल किए। कैसे किए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ चार चेम्बर हैं और चार टेस्ट ट्यूब लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको इसको क्या करेंगे, एक में ब्लड को रखेंगे और दूसरे में किसको कर इस दूसरे में आप डिस्टिल वाटर भी रख सकते हैं और डिफरेंट वाटर भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो और उसके बाद आप उसको सेंट्रीफ्यूगल कीजिएगा तो वो सेपरेशन हो जाएगा। फिर सेपरेशन करने के बाद आप क्या कीजिए, उसमें से जो प्लाज्मा को अलग कीजिए और ब्लड को अलग कीजिए। फिर प्लाज्मा को दो ड्रॉप लीजिए और एक टेस्ट किट आता है मलेरिया के नाम से, उसको आप लीजिएगा और उसमें से दो ड्रॉप लीजिए, उस टेस्ट किट में डालिएगा और एक रेजिस्टेंट होता है उसके साथ साथ, उसको रेजिस्टेंट को डालिए, प्लाज्मा को डालिए, आपका रिपोर्ट आ जाएगा निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि माइक्रोस्कोप, जैसा कि आप यहाँ सामने में देख पा रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप है, इसके द्वारा भी हम लोग मलेरिया चेक कर पाते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि वो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम देख सकें, उनके लक्षण को देख सकें और उस आधार पे हम रिपोर्ट तैयार कर सकें कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उसी के आधार पे हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस आधार पे उनको दवा लिखते हैं और दवा लिखने के बाद वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और फार्मासिस्ट उनको बताते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशन करना है, क्या गाइडलाइन प्रोसेस करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है ना, ये सब आपको फार्मासिस्ट बताते हैं और दवा जो कैसे यूज़ करना है वो बताते हैं, ठीक है, ओके। तो यही हम लोगों का दो तरीका है, एक वो अरे किए यानी सेंट्रीफ्यूगल के माध्यम से और